अज्ञात कारणों से घर में आग लगने से गृहस्थी का सारा सामान जलकर हुआ राख। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के नंदना गांव निवासी राम अवतार के घर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। इस दौरान राम अवतार के घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार के पास अब न तो रहने के लिए कोई मकान बचा है, न ही तन ढकने के लिए कोई कपड़ा। जो कपड़े परिवार के लोग पहने थे सिर्फ वही बचा बताया जा रहा है। यही नहीं, परिवार का सारा अनाज भी जलकर राख हो गया, जिससे पीड़ित परिवार भूखों मरने के कगार पर पहुंच गया है। अब हालात ये हो गए हैं कि पीड़ित परिवार के पास शाम के भोजन तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। दरअसल राम अवतार अपनी पत्नी, दो लड़कों और एक लड़की के साथ किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मंडई में आग लग गई, जिससे उनका परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार को आवास की सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी थी। अगर पीड़ित परिवार के पास आवास रहा होता तो शायद यह दिन न देखना पड़ता। फिलहाल पीड़ित परिवार पूरी तरह भूखों मरने के कगार पर पहुंच गया है और लोगों से मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम आपका? चंद्रेखा। कौन सा गांव है? नंदना। क्या समस्या है? आग लग रही है। जब आप लोग मतलब कब लगी आप लोग खाते के सो रहे थे? रात में या रात में खाते सो रहे? कैसे मालूम होगा आपको आग लगी? आग लगल तो जैसे उजाला भर तब सब उठनी तब देखनी, हल्ला कहीं नहीं, गांव वाले जो उठने तो तंगने, लेकिन ना वो तब गुजर रही है। सब जरी है, कुछ नहीं गुजर रही है। जब तक गांव वाले सब जल गए। इसकी सूचना आपने जो पहले कहा थी कहाँ है? सब जल गया। अलग सांस के कैसे कैसे लाइकन के भी भगवान मान के दवाई सब बनी, कुछ ना सब सामान। प्रधान की है तब खबर गई ला, तभी इतना ठीक है ना आला ना भतीजक भेज लिया ना देखो के गई ने। नेपाल को वो बताओले हैं हम लोग सब अब कैसे मिली? अब क्यों मांगे पर कैसे नहीं तीन अठारह साल 16 साल 8 साल कुछ नहीं। कुछ मदद कर देंगे सरकार से, हो जाए बच्चन की आर दे। राम सिंहार ये नंदना बोधी पड़ी। क्या भाई ये सब खा पी के सोए थे, पता नहीं आग लगी, उसके बाद कोई पता नहीं लगा जब आग लगी, सब बाद में जब जल जल गया तब सब पता लगी सो रहे थे। उसके बाद देखो अब खाने पीने नहीं है, सारा सामान जल गया, अब क्या खाएंगे पिएंगे, अब क्या करेंगे? अरे तो अब किसी मांगे ढंके की तो तब खाने पीने मिलेगा, अब क्या करें? अब देखो क्या कर सकते, अब कोई कितना नहीं कोई खिलाएगा, दो एक आध दिन दो दिन देगा, रोज थोड़ देगा मांगे। यही बात है, बेचारे गरीब थे, हम लोग गरीब थे, क्या करें? चलो आप लोगों को सहारा है, आप लोग कुछ भी कर दिए कर देंगे तो हमारा मदद हो जाएगा थोड़ा। मैं वीरेंद्र पांडे जिला पंचायत पर अवगत करा रहा हूँ शासन से कि तहसीलदार महोदय से और मौके पर SDM बूढ़नपुर को राजभर की जो आग लगे 100 नंबर प्लस
जो है 112 भी मौके पर आई थी, देखी मौके, फायर ब्रिगेड भी आई है, उसको आग बुताई है सारी चीज़। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उस महिला को कुछ जो सरकार द्वारा कुछ इस तरह जो सहायता की जाए, ताकि उसका मकान भी जल गया है, मकान भी दिया जाए, अंधा कुछ खाने पीने के लिए कुछ कुछ सहायता, और भी कपड़े लत्ते सब जल गए हैं, उसको कुछ धन जो भी दिया जाए, और जो है कपड़े लत्ते के लिए कुछ पैसा दिया जाए। ऐसी मकान था उसका, सब कुछ जल के राख हो गया है।